मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे की तैयारी जोरों से चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोध भी खूब हो रहा है। इसके बाद अब बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरी सवर्ण सेना सामने आई है। उनका कहना है कि बाबा के आने पर रुकावट ना हो, इसके लिए 2,50,000 सवर्ण सेना तैयार है। उन्होंने धमकी भी दिया है कि कोई भी रुकावट डाला तो इसका अंजाम बुरा होगा। वहीं सवर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो चाहे वो मंत्री हो या कोई भी हो, उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। तो अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, बयानबाजी धमकी के स्तर पर आ गई है। स्मरण कर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं सनातन धर्म की रक्षा हेतु, मैं सनातन धर्म की रक्षा हेतु तन मन धन और अपना सर्वस्व नछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, मैं सनातन धर्म की रक्षा हेतु वचनबद्ध हूँ, मैं सनातन धर्म की रक्षा हेतु वचनबद्ध हूँ और मैं सनातन धर्म के अनुयायी समाज की उन्नति। एक तरफ बाबा बागेश्वर को लेकर राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि स्वर्ण सेना के कार्यकर्ता जो हैं वो जो है सामने आ गए हैं और डायरेक्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आए हम रोकने को तैयार हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह से जो है स्वर्ण सेना के जो है पूरे कार्यकर्ता जो हैं वो खड़े हैं। महात्मा गांधी को जो है गांधी मैदान में पहले उन्होंने चरण स्पर्श किया है और उसके बाद जो है वो लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। क्या स्थिति बन गई है, क्यों? देखिए, हम लोग तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यह भारत देश हिंदुओं का देश है और यहाँ पे तो हर धर्म का यहाँ पे स्वागत है, सब लोग अपना पर्व शांतिपूर्वक मनाते हैं। और जब बिहार में जब यहाँ पटना की गांधी मैदान की जब बात हुई यहाँ पे कथा कराने की, तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा आदेश नहीं दिया है कि नहीं यहाँ कथा आप नहीं कर सकते हैं। और जब तरेतपाली जो स्थान है, जो वासुदेवाचार्य जी का जो स्थान है, स्वामी धरणीधराचार्य जी का जो स्थान है, वहाँ पे मठ का जो निजी जमीन है, जब वहाँ पे कथा कराने की बात की गई तो ये जितने भी ईसाई मिशनरियों के पैसे पे जो राजनीति करते हैं उनको मिर्ची लग गई। अब वहाँ पे बाबा बागेश्वर की चर्चा होगी, भगवान हनुमान की कथा, बजरंग बली की कथा जब वहाँ पे हो रही है तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, जितने भी विधर्मी लोग हैं, क्योंकि ये लोग जितने भी ईसाई मिशनरी चलाने वाले लोग हैं ये लोग सारे आदिवासी एवं दलित क्षेत्रों में जा जा करके ये लोग पैसे के दम पे बहला फुसला करके गरीबों का ये लोग धर्मांतरण करते हैं और ये हम रोकने वाले लोग हैं। अब तक हम दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, सवर्ण सेना के 2.5 लाख कार्यकर्ता बिहार में हमारे हैं, 2.5 लाख कार्यकर्ता, एक भी विधर्मी अगर कथा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो उसका हाथ पर तोड़ देंगे। हमारी साफ चेतावनी है, कोई शांत नहीं बैठेगा। सनातन धर्म की बात अगर आई, सनातन धर्म को किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम शांत नहीं बैठेंगे, शांत बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। हम नीतीश जी को यह कहते हैं कि आप बिहार में सुशासन की बात कर रहे हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, तेजस्वी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, आप सनातन धर्म के लोग हैं और यहाँ पे चंद लोग जहाँ पे जब कथा हो रही है उस कथा को सुनने वाले 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, वो 10 लाख के दिल को ठेस पहुंचाने का ये चंद लोग कर रहा है, इनका हाथ पर तोड़ने का काम सवर्ण सेना के कार्यकर्ता लेंगे और इसकी जिम्मेदारी भागवत शर्मा लेगा। किसका हाथ पर तोड़ेंगे आप? धर्मी कथा को नुकसान पहुंचाएगा। तो तेज प्रताप यादव ही ना रोक रहे हैं? तेज प्रताप यादव तो सनातन को मानने वाले लोग हैं, मैं विधर्मियों की बात कर रहा हूँ, उस विधर्मी में चाहे मंत्री आए, विधायक आए, सांसद आए, जो कथा को, श्रीराम कथा को, सनातन धर्म को जो नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी रुकावट आती है तो उनको जो है अंजाम जो है कोई भी नेता हो भुगतना पड़ेगा। कैमरा राजेश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव जी मुंडिया पटना।